तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर रिव्यू। आई नो ये थोड़ा बहुत लेट आ रहा है, बट इस चीज़ के लिए और इस मूवी के लिए मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था, जिसका नाम है JIGARTHANDA XXX, जो अभी नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है। एंड आई एम सॉरी टू से, मैंने इसको थिएटर में एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि यहाँ के थिएटर कुछ और ही चला रहे थे तभी। शायद मे बी लियो आया था, मे बी, आई डोंट नो, बट उस समय तो मेरे थिएटर्स में अवेलेबल नहीं थी ये मूवी। बट व्हेन आई सॉ ऑन नेटफ्लिक्स, मुझे लगा था कि शायद 10,000 रुपये खर्च करके चेन्नई चला जाता तो इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस अलग होता। मे बी मैं अपने कॉलेज में स्क्रीन कराऊँ इसको, बट इट डिपेंड्स अपॉन इफ पीपल वुड वॉन्ट टू वॉच इट। क्योंकि कार्तिक सुब्बराज की एक यह मूवी आई है JIGARTHANDA XXX। एंड लेट मी रिमाइंड यू, कार्तिक सुब्बराज की मैंने लास्ट मूवी जो देखी थी और उसका नाम था जगमे थंडीराम। I'm sorry if I'm just doing my pronunciation task wrong, but it is what it is. Now, continuing on with the review, तो मैंने जब ये मूवी देखी तो I don't remember the actor's name, but राघवा लॉरेंस और सूर्या नाम है एक्टर्स के नाम। I can just tell you कि दे आर एब्सोल्यूटली माइंड ब्लोइंग, एंड आप लोग उनको स्क्रीन पर देख कर बहुत आप मौज उठाने वाले हो। एंड वेन आई से इट आई लव द मूवी। एंड टॉकिंग अबाउट द बैकबोन ऑफ द मूवी, आई थिंक इट्स जस्ट द एक्टर जो डेडिकेशन देते हैं, डायरेक्टर अपना जो खेल दिखाता है कैमरा वर्क के साथ। एंड आई रियली थिंक दैट द डायरेक्टर हैज़ प्लेड विद हिज कैमरा, मतलब अपने कैमरा के साथ वो अपने खिलौना जैसे होता है ना, जैसे ही इज जस्ट मूविंग ऑन विद द कैमरा थ्रू आउट द होल मूवी। एंड आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग ईच एंड एवरी फ्रेम, क्योंकि इतना ब्यूटिफुल लगता है हर एक फ्रेम। इट्स लाइक मास कमर्शियल मूवी भी है, एंड ऑल्सो इट्स मेंटेनिंग द आर्ट स्टाइल। बीच में आई रिमेंबर देयर इज अ सीन इन द बिगिनिंग ऑफ द मूवी जहाँ पे राघव लॉरेंस का जब एंट्री सीन आता है, उसके बाद ये एक सीन होता है, एक थिएटर के अंदर टेक प्लेस करता है, एक वेस्टर्न कॉप, आप देखे होंगे उस टाइप की मूवी। सो इट्स जनरली टेकन एन इंस्पिरेशन, वैसा बंदूक देता है, एंड आई जनरली एन्जॉयड दैट। एंड आई थिंक हर सिनेफाइल ये मूवी आराम से एन्जॉय करने वाला है। एंड प्लीज़ डोंट मिस द क्लाइमैक्स ऑफ दिस मूवी। इस मूवी का क्लाइमैक्स ही इसकी हार्ट है, एंड इफ़ यू जस्ट मिस, आप ऐसे फॉरवर्ड करके स्किप करके एकदम भाग तोड़ देख, यू आर जस्ट गोइंग टू जस्ट, मतलब वो होता है ना मूवी का जो एन्जॉयमेंट है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा, आप एन्जॉय नहीं कर पाओगे। द एवरी, मैं बोल रहा हूँ ना, एवरी फ्रेम ऑफ दिस मूवी इज जस्ट ब्यूटिफुल। एंड कार्तिक सुब्बराज इज नाउ ऑन माई सेकेंड टॉप लिस्ट एज माई फेवरेट डायरेक्टर, एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग। एज अ मूवी डायरेक्टर आई फेल इन लव विद दिस मूवी, एंड कूडोज टू द एक्टर्स कि भाई उन लोगों ने क्या क्या नहीं किया इस मूवी में। एंड जनरली स्पीकिंग अबाउट द एक्टर्स कि बहुत लोग होते हैं कि रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं बॉडी डबल को, ऐसे वैसे, यू नो ऑल द बैकग्राउंड वर्क, राइट? बट स्टिल सीइंग द एक्टर्स डूइंग इतने गंदे स्टंट्स परफॉर्म कर रहे थे, आई वॉज लाइक भाई और कितना नीचे ये जा सकता है ये डायरेक्टर। बट यू नो, अगर हर एक्टर की यही एक मतलब चाहत होती है कि an actor has to be a director's pet, and I think both of the actors understood the assignment. Talking about the dance sequences, I loved it. I just loved it. And okay, but जाने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, there's a scene in the interval, interval से बाद या फिर पहले, थोड़ा सा like वैसा, I don't know, क्योंकि मैंने ये movie theater में नहीं देखी, but there is an elephant वाला scene जो जहाँ पे they come and thank राघव लॉरेंस, वो वाला भाई मेरे लिटरली मेरे आंखों से पानी आ गया वो उस वाला सीन देख के। एंड टॉकिंग अबाउट कि आपको ये देखनी चाहिए या नहीं, इट्स नॉट रिकमेंडेड, इट्स अ मस्ट वॉच। ये मस्ट वॉच की लिस्ट में आराम से चली जाती है। प्लीज़ 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 डोंट मिस दिस मूवी। मैं अपने तरफ से लाइक मेरी लिस्ट में तो ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट 2023 मूवीज़ बन चुकी है। अगर आपने ऑलरेडी ये मूवी देख लिया है तो मुझे बताना कैसे लगा आपको कमेंट्स में। और टिल देन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, 30 सब्सक्राइबर्स दूर है 600 से। थैंक गॉड तुम लोगों ने फाइनली सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिया। चलो अब जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, 600 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मेरी मौज होगी और तुम लोगों के लिए अच्छा कॉन्टेंट। चलो बाय, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।